हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं यमपी। अभी हमारी ट्रेन है 7:15 पे और हमारा बैग रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि हम जब घर से आ रहे थे तभी पैक किए थे। पहली बार मैं ट्रेन से इतना दूर जा रहा हूँ, 815 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके मैं जा रहा हूँ पहली बार ट्रेन से। तो जब मैं पहुँचूँगा ट्रेन में, वहीं से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर कोई नहीं रहेगा, भाई लोग चले जाएंगे, तो वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे, वरना ट्रेन के अंदर ही ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में भोपाल उतरना है, भोपाल उतरने के बाद हम अपना काम करेंगे जिस काम के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों आज 15 अगस्त है, इसलिए सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बढ़नी स्टेशन पर। ये देखिए ट्रेन खड़ी हुई है और अभी कुछ देर में आने वाली है एक और ट्रेन। 7:55 पे जाएंगे हम लोग, उसके बाद 12:45 पर हम लोग हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। तब तक मिलते हैं, अभी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ट्रेन में हलते वक्त मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली दोस्तों हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी अभी ये आई हुई है। उसके बाद हम 12:45 पे भोपाल यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। तब तक के लिए हम कुछ दिखाएंगे अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि हम एक ही सीट पर बैठे हुए हैं। और फिर अभी 12:45 पे यानी 16 तारीख को पहुँचेगी ट्रेन, तो फिर अगर बीच में कुछ दिखाना होगा तो आप लोगों को हम दिखाएँगे। तब तक मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चाय लिए हैं, ये 10 रुपये का मिला है, क्योंकि ट्रेन में महंगा मिलता है और गांव पे तो 5 रुपये का मिल जाता है। लेकिन चाय की क्वालिटी बहुत बेकार है, क्वालिटी तो बेकार होगी, हम पीकर बता रहे हैं क्वालिटी कैसी है। अच्छी है, उतना बेकार नहीं है, लेकिन पीना तो पड़ेगा, पैसा लग गया तो। निकालो। ये देखिए जो सामने दिख रहा है भारत का तिरंगा। अभी हम लोग गोमती नगर पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं लगभग। Gracias.
मैंगो चिप्स दूध नमकीन हाँ खाएंगे ले लो। A few moments later. तो गाइस हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना है, उसके बाद हम कहीं और जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत है व्यू इस स्टेशन का। अच्छा फोटो है भाई भी। हाँ फिर वो एक्स्ट्रा लगेगा। कितना लगता होगा? वो 13,500 के आसपास लगता है एक साल। कहीं कहीं